हेलो टू ऑल, और आप सभी का स्वागत है विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। दोस्तों, हम आज से अपनी अर्थमेटिक की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और अर्थमेटिक क्लास के हम सब जानते हैं तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपका एवरेज, दूसरा आपका रेशन प्रोपोर्शन, और तीसरा आपका प्रतिशत परसेंटेज। ये तीनों ही बुनियाद होती है आपके मैथमेटिक्स की, और इन तीनों चैप्टर को आपने अच्छे समझ लिया है तो हम समझ सकते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट इनके बेसिस पे ही स्टार्ट होते हुए आप सारे सवालों को समझ सकते हैं। जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हो, चाहे मिक्सर एलिगेशन का हो, चाहे फिर आप फ्रैक्शन ले रहे हो, ये सब का सब जो स्तंभ होता है ना, जो बेस होता है, वही होता है ये तीनों कॉन्सेप्ट। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट में से स्टार्ट करते हुए आज आपकी जो पहली क्लास होगी वो मैं शुरू कर रहा हूँ औसत की, दैट इज परसेंटेज की। अब परसेंटेज को शुरू करने से पहले हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। एवरेज को अच्छे समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इसको अपनी आम जिंदगी में भी खूब इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मैथमेटिक्स में आता है तो आप लोग घबरा जाते हैं। चलिए समझते हैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से। सिंपल तरीका क्या है, देखिए, आप यूं समझ लीजिए, तीन शरारती बच्चे हैं और तीन शरारती बच्चों में जो एक बच्चा है वो कहता है, भाई मैं ना जा रहा हूं आज ना, पापा मिठाई लेके आ गए, मैं उस डब्बे में से एक मिठाई लेके आ जाता हूँ। तो वो अपना एक मिठाई लेके आ जाएगा। फिर एक दूसरा बच्चा था, तेरे पापा मिठाई लेके आए हुए हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं भी जाता हूँ उसी डब्बे में से दो और मिठाई उठा लाता हूँ। अब वो बच्चा भी क्या है, जाता है और दो और मिठाई लेके खुशी खुशी आ जाता है और कहता है, भाई देख मैं तेरे से एक ज्यादा ले आया। तीसरा कहता, अच्छा है, तेरे पापा की मिठाई तो बिल्कुल टेबल पे पड़ी है, मैं ऐसा करता हूँ जाता हूँ मैं और ले आता हूँ। अभी तीसरा बच्चा और थोड़ा शरारती था, वो क्या करता है, जाके आपका वो तीन मिठाई ले आता है। अब क्या होता है, उनके जो पापा होते हैं पहले वाले के, वो सोच के आए होते हैं किसको कितनी मिठाई देनी है, बट समवेयर उन्हें पता लग जाता है कि ये मिठाई यहाँ से गायब है। और जो काउंटिंग करते हैं तो देखते हैं कि भाई वहां डब्बे में से छह मिठाई गायब है। अब वो शक तो अपने बेटे पे ही जाएगा, है ना। तब से पहले अपने बेटे को बुलाते हैं और पूछते हैं, बताओ इसमें कितने। तो कहता, पापा मैं अकेला नहीं था, मेरे दो दोस्त थे, हम तीनों ने लिया। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, चीजों को माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब अगर आप उसके पिताजी के नजरिए से देखेंगे तो उनके पिताजी को क्या पता है कि यार देखो छह मिठाई चोरी हुई है और तीन बच्चों ने चुराई है, तो सबने कितनी कितनी खाई होंगी। तो उसके पिताजी सोचेंगे, सबने छह मिठाई है, तीन जनों में बांटी होगी तो सबने दो दो खाई होंगे। उन्होंने क्या किया होगा, सिक्स को आपका तीन अलग बराबर बराबर हिस्सों में बांटा होगा, तो आपका आया था दो। वही उन्होंने सोचा कि सबके पास दो दो मिठाइयां हैं, पर एक्चुअली में क्या सबके पास दो दो मिठाइयां हैं, नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, भैया इसके पास तो एक ही थी, इसके पास दो था और इसके पास तीन था, तो सबके पास अलग अलग है। लेकिन अगर इन्हीं छह मिठाइयों को सबके पास बराबर बराबर बांटा गया होता तो इसके पास दो आती, इसके पास भी दो आती और इसके पास भी दो ही आती। तो दैट इज एवरेज, औसत। औसत का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप किसी सामान को, किसी चीज को सबको बराबर बांट रहे हैं, सबको इक्वली दे रहे हो, तो किसको कितना मिलेगा, सबको इक्वल। इसका मतलब ये नहीं है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सबको बराबर बांटा गया है। इसका मतलब ये है कि सबको बराबर बांटा गया होता, है ना, होता, हो सकता है सबके पास अपनी अपनी अलग क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे देखा, इसके पास एक थी लेकिन इसको दो एवरेज के हिसाब से मिला, इसको एक ज्यादा मिला। लेकिन यहाँ पे इसके पास तीन थी और इसको दो मिला, तो इसको एक कम मिला। समझ रहे हैं आप, तो ये है आपका एवरेज कॉन्सेप्ट। अब फॉर्मूला बेस्ड अगर आप सीखना चाहेंगे तो फॉर्मूला बेस्ड मैं आपको बताता हूं कि अगर आप फॉर्मूला समझेंगे तो फॉर्मूला आगे आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे क्योंकि कुछ और चीज समझानी है तो बताना है कि एवरेज क्या हुआ। अभी हमने देखा एवरेज जो हमारा औसत है वो हुआ क्या, आखिर एवरेज जो भी टोटल क्वांटिटी थी, है ना, जो भी टोटल था, जैसे यहां पे हमने छह था, उस टोटल को, पूरे सम को, पूरे योग को, जितनी भी संख्याएं थी, जितने भी नंबर थे या जितने भी लोग थे, उन्होंने में हमने बांट दिया, तो ये एवरेज है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूं। एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी ये होती है, दैट इज एवरेज इज सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय
नंबर ऑफ टर्म्स, औसत हिंदी में कहेंगे राशियों का योग, राशियों की संख्या के से भाग देना। अभी राशियां ये मत समझना कि सर राशियां की संख्या तो हमेशा 12 ही होंगी, मीन मकर के नहीं है, ये डाटा है। डाटा मतलब किसी के पास 5, किसी के पास 10, समझेंगे अच्छी से, सबको समझेंगे। पहले ये समझिए दैट इज डेफिनेशन ऑफ आवर एवरेज। अब हम आते हैं और चीजों को समझने के लिए। पहले समझते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर समझे अगर आप, नेचुरल नंबर हमारी प्राकृतिक संख्या है। ये कहां से शुरू होती है दोस्तों? ये शुरू होगी आपकी एक से, एक दो तीन चार पांच, इस तरह से आगे चलेंगे। फिर आपका आता है एक इवन नंबर। इवन नंबर क्या, हिंदी में बोलते हैं इसको सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं जो कि आपका टू से डिवाइड होता रहता है। टू से डिवाइड कौन कौन सकता है? पहला भाई आपका टू, फिर आपका फोर, फिर आपका सिक्स, देन आपका एट, इस तरीके से आगे चलते हैं। फिर आपका इवन पढ़ा तो उसका उल्टा ऑड भी होगा। ऑड मतलब दोस्तों विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी? वो जो दो से भाग पूर्णता नहीं होती, जैसे कि आपका 3, 1, 5, ठीक है। इन सब का हमारा यूज पड़ेगा, इसलिए मैं आपको चीजें बताते जा रहा हूं। ओके, देन मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं दोस्तों जो कि खुद से डिवाइड होते हैं, और किसी या फिर वन से, किसी और से नहीं। जैसे आपका जब सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, then 3, then 5, है ना, इस तरह से आ जाते। तो 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 2, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 6 से नहीं। तो ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, हिंदी में बोलते हैं। अब मेन बात आती है हमारी समझने की, कि कुछ मैं ना आपको फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूले से पहले एक बात समझो, एक सीरीज नाम की चीज भी होती है एवरेज में, अगर उस चीज को हम समझ ले तो आसान हो जाता है। लेकिन पहले मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे पास नंबर है 3, 6, 9, ठीक है, अभी तीन ही नंबर रखते हैं, ठीक है, 3, 6, 9 नंबर है। अगर आपको इसका एवरेज निकालना पड़े, है ना, आपको इसका औसत बताना पड़े, तो क्या करेंगे सर? इन सबको जोड़ देंगे, 3 प्लस 6 प्लस 9, एंड दैट हैज टू बी, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग। आपका कितने नंबर है? 1, 2, 3, 3 नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ गया 9। 18 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आया दोस्तों आपका 6। ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस नंबर को और थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। नंबर अब मैं ले रहा हूं 3, 6, 9 आपका, देन 12 और आपका 15, ठीक है। अगर अभी हम फॉर्मूले से एवरेज निकालें तो फॉर्मूले से हमारा एवरेज आएगा कि सर सबको जोड़ दो और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो। सबको जोड़ने का मतलब 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, और इसको आप डिवाइड करेंगे दोस्तों अपना 5 से, ठीक है। जोड़िए 9, 9 प्लस 18, 30, एंड देन 45। ये हो गया आपका, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 9। अब एक ऑब्जर्वेशन जो एक स्टूडेंट को हमेशा करनी चाहिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, देखो आप जब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे ना तभी आपको पता लग जाता है यार ऑब्जर्वेशन से ही हो जाते हैं क्वेश्चन, तो हम फालतू में चीजों को क्यों करते रहते हैं इतना। ऑब्जर्वेशन देखो दोस्तों, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, एवरेज क्या है? 6। 6 का मतलब आपका, 6 का मतलब आपका, देखो मिडिल टर्म नहीं है क्या, ये मिडिल टर्म नहीं है क्या, जो 6 है यही तो आपका मिडिल टर्म है। सेम वे में जब मैंने 5 नंबर कर लिए तो एवरेज क्या है? 9, और ये क्या मेरा मिडिल टर्म नहीं है क्या? बिल्कुल, ये मेरा मिडिल टर्म ही है। तो मुझे जोड़ने की जरूरत थी क्या? नहीं, जोड़ने की जरूरत तो थी नहीं। तो इससे मैं क्या समझता हूं, इसको देख लीजिए, इससे मैं जो समझता हूं वो ये चीज है कि अगर आपकी कोई सीरीज दे रखी हो जिसमें समानांतर समानांतर हो, डिफरेंस सेम हो, जैसे कि आपकी सीरीज मैंने ली 3, 6, 9, 12, 15, आगे बढ़ाता हूं 18 और 21,
तो कभी भी किसी सीरीज में अगर एवरेज निकालना हो तो मोर मेन फॉर्मूला तो वही है, सबको जोड़ लो और आप उसको डिवाइड कर लो। लेकिन सबको डिवाइड करने में यार सबको जोड़ना पड़ेगा, उससे आसान तरीका क्या है, एवरेज किसी सीरीज का अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, एवरेज इज फर्स्ट टर्म, पहली संख्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू, है ना। या फिर बिल्कुल आप निकाल देंगे मिडल टर्म, है ना, मिडल टर्म जो बीच का होगा, बीच की जो भी संख्या होगी वो। जैसे कि यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरा मिडल टर्म कौन सा है, देखो चार पांच आठ संख्या है, पांच चार सात संख्या है, तो मिडिल कौन सा होगा, मिडिल होगा आपका बीच। तो देखो एवरेज आपका 12 ही आएगा। यहां भी देख लेते हैं, अगर मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करता हूँ कि तो क्या एवरेज 12 आता है, जरा देखते हैं। पहला टर्म है मेरा 3, लास्ट टर्म है मेरा 21, और उसको डिवाइड करना है मेरे को 2 से, और दैट इज आपका बना 24 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आंसर आएगा आपका 12। बिल्कुल सही। तो हमें अगर किसी उस नंबर में सीरीज दे रखा हो तो जो भी मिडिल टर्म हो वो कर लो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो ठीक था आपने करके रख दिया, क्योंकि इसमें नंबर जो थे 7 थे तो मिडिल टर्म दिख गया, 8 नंबर होते तो क्या करते। अच्छा 8 नंबर से नहीं, आपको मैं 6 नंबर से करवा के बताता हूँ कि मिडिल टर्म अगर होता तो कौन सा होता। मैं ऐसा करता हूँ इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब 6 नंबर बचे, 6 नंबर बचे हैं हमारे, तो नंबर मैं लिख लेता हूँ आपका ये। अब एग्जैक्टली नंबर यहीं पे चेक करते हैं, नंबर बेटर है, हम नई शीट से ही नंबर शुरू करते हैं। मतलब अगर मेरा होता 3, 6 और 9 एंड 12, लो 4 नंबर है। अब सर यहां पे मिडल तो दिख नहीं रहा, 4 आएगा। तो आप ही लोग मुझे बताओ मिडल टर्म का इसके बीच में कहीं होता कि नहीं होता, इसके बीच में ही कहीं होता। अगर मिडल टर्म इसके बीच में होता तो पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 करो तो 3 प्लस 12, 15 डिवाइड बाय 2 7.5 आता। नहीं तो हम यहां से भी समझ सकते थे कि 6 और 9 के बीच में कौन सा नंबर होता। तो 6 और 9 के बीच में नंबर आप देखोगे दोस्तों तो 6 में 1.5 आगे जाओ, 1.5 9 में 1.5 पीछे जाओ, तो वो भी आपका 6 में 1.5 आगे गए तो 7.5 ही आता, है ना। तो अगर सीरीज में कोई इवन टर्म्स हो, मतलब बराबर इधर ही बराबर, तो जो भी मिडिल टर्म बनेगा वो आपका बीच का ही पार्ट बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लिया। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे समझते जाएंगे, फिर खूब सारे क्वेश्चन लेके उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगली शीट पे आता हूं, यहां हम कुछ बातों को समझते हैं। अब मैं देखता हूं आपको 3 फैक्टर बताऊंगा, उनको समझिए। पहला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब फर्स्ट कर लीजिए उसको, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने की हम कोशिश करें। अब योग की क्या है, देखो प्रथम एन मतलब कहीं से शुरुआत, कहां से शुरू होगा, प्रथम एन है मतलब एक से शुरुआत किया आपने, फिर आपका आएगा 2, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 4, फिर आएगा आपका 5, ऐसे ही कहां तक जाना है, एन संख्याएं हैं तो एन तक आगे जाना है, तो हमें एन तक आगे जाना है। अब इन सब का सम देखना है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या ये एक सीरीज है, सीरीज है तो हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा वो तो सब पता नहीं चल रहा, तो क्या पता चल रहा है, अरे हमें ये तो पता है, हमें ये तो पता है कि सर ये रहा मेरा फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म है मेरा एन। इसका मतलब जो इसका एवरेज आएगा वो एवरेज होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, इसको लिख देता हूं मैं एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये तो मेरा हो गया औसत। अब औसत जो हो गया तो आपको करना क्या है, हमें योग निकालना है। औसत कौन सा नंबर था, औसत वो नंबर था जो आपने सबको बराबर बराबर बांटा है, मतलब आपने एन नंबर को, एन आदमियों को समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, एन नंबर्स को आपने एन प्लस 1 बाय 2 दिया है,
तो टोटल क्या होगा भाई? अगर आपने 5 आदमी को 5 रुपए दिए तो कहोगे ना 25, 5 आदमियों को 10 रुपए दिए तो क्या कहते हैं, 5 × 10 50। तो वैसे यहाँ पे एन आदमी है, एन कोई संख्या होगी, हम कुछ बोले एन आदमी है, सबको n+1/2 दिया है, तो टोटल सम क्या आएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो सम बनेगा तो n(n+1/2) बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। साथ में हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, है ना, वर्ग, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, है ना, वर्ग करने। वर्ग करने तो मैं सीधे सीधे आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं, दैट इज आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते चलते चले जाना है कहां तक, n के स्क्वायर तक, ठीक है। और इसका सम जो का फॉर्म जो होता है वो होता है n(n+1)/2n+1, एंड दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 6। तो दोस्तों आप इन फॉर्मूलों को प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एक तो ये और दूसरा आपका ये, है ना। अब मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूं कि अगर आप घनों का योग करें, दैट इज सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, जैसे कि मैं लिखवा देता हूं आपको फॉर्मूला, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, है ना, ये सबका यूज होगा। वही यूज के लिए हम इसको समझ रहे हैं, पहले सीख रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन करें तब आपको प्रॉब्लम ना आए। तो पहला क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसा कब तक चलते चल रहे हैं, ऐसा हमें जाना है एन क्यूब तक। और ये जो फॉर्मूला बन के आता है कुछ कुछ आपको देखा देखा लगेगा, n+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको याद देखना है तो जरा सा आप अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो कुछ कुछ हमने एवरेज, मतलब सबके सम, नॉर्मल नॉर्मल डिजिट का जब सम कर रहे थे तो वो आपका n(n+1/2) आ जाता, और वही जब आप उनका क्यूब ले रहे हो तो आपका आया n(n+1/2) का होल स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है, देखना है, इस तरह से आप चीजें समझ जाएंगे, देख लेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा सर एवरेज क्या होता है, सबको जोड़ दो और जितनी भी संख्या है उससे आपको डिवाइड कर दो। फिर हमने उसके बाद क्या सीखा, हमने उसके बाद देखा आपका कि अगर कोई सीरीज हो तो सीरीज में पहला नंबर और आखिरी नंबर दोनों को जोड़ दो, दो से डिवाइड कर दो, वही एवरेज होता है। या फिर अगर हम देख सके तो जो भी मिडल टर्म होगा, जो भी बीच वाला टर्म होगा, वही हमारा एवरेज होता है। फिर हमने सीखा कि प्रथम एन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला n(n+1/2) होता है। फिर हमने सीखा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n(n+1)/2n+1/6 होता है। और वैसे अगर मैं क्यूब का फॉर्मूला निकालूं तो n(n+1)/2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये चीजें आपके क्लियर हो गई। साथ में एक बात समझिए दोस्तों, एग्जामिनर हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार आपको प्राइम नंबर देगा, है ना, प्राइम नंबर देगा। प्राइम नंबर मतलब आपका अभाज्य संख्या है ना, हिंदी में बोलते हैं, और भाज्य संख्या है। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं, अगर कभी भी उसने अभाज्य संख्याएं दी तो आप किसी भी चक्रव्यूह में मत फंसना, वो एक ट्रिक है, मतलब फंसाने की कोशिश की जा रही है, उस पर कोई फॉर्मूला लागू नहीं होगा। उसके बाद आपको सारी की सारी अभाज्य संख्या ढूंढनी ही होगी, और बिल्कुल एग्जैक्ट ढूंढिएगा, और फिर उनको जितने भी नंबर है उनसे ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे चारों कॉन्सेप्ट क्लियर, अभाज्य संख्याएं होंगी तो हमें नंबर ढूंढना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वो सीरीज हुई तो सबको फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय टू, और अगर जो सम आए तो हम देख लेंगे। इसमें इवन ऑड का भी फंडा बन सकता है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, इसलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब सीधे सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये मैंने जैसा आपको शुरू में ही कह दिया था कि औसत क्या होता है, राशियों का योग, जितने भी सम दे रखे हो सबको जोड़िए, जितनी भी संख्या है
उनसे आप डिवाइड कर दीजिए, एवरेज इज सम ऑफ टर्म, है ना। एक एक करके आराम समझेंगे, जहां कोई दिक्कत है वहां मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, आपके डाउट बिल्कुल आराम से क्लियर होंगे। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन मैंने जो लिया है आपका, लिया है कि हमें एवरेज बताना है 5 का, 10 का, 15 का, 25 का, 30 का। अब आप लोग क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट सीख चुके हो तो आपके लिए कोई मुश्किल सवाल होगा नहीं, जानता हूं मैं, आसानी से कर लोगे। लेकिन इसमें लिंक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको जो समझनी है कि देखो बच्चा क्या करेगा, एसएससी उसको गड़बड़ करेगी। बच्चा क्या करेगा, बच्चा देखेगा कि क्या ये एक सीरीज है, वो कहेगा यार यहां पे अंतर तो 5 का है, यहां पे भी अंतर 5 का है। अब इसके बाद वो देखना छोड़ देगा, यहीं पे आपका जो एसएससी है, डीएसएससी है, आपसे गलती करवाती है। आपको समझना ये है कि ठीक है यार यहां से तो 5 का डिफरेंस है, सीरीज लग रहा है, यहां पे 5 का डिफरेंस सीरीज लग रहा है, लेकिन उससे आगे क्या 5 का डिफरेंस है, उससे आगे क्या हमारा 5 का डिफरेंस है, नहीं, यहाँ डिफरेंस दे दिया 10 का, यही लोचा है, फिर यहाँ डिफरेंस है 5 का। तो ये एक सीरीज नहीं है, सीरीज वो होता है जिसमें डिफरेंस सबका बराबर। तो क्या करना पड़ेगा, अगर सीरीज नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी इसमें, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सॉल्व करने के क्या लिखेंगे, लिखेंगे वही सर, हमारा जो एवरेज होता है तो सारे इन सब का योग, तो सबका सम करना है, तो दैट इज 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 30, और उसको आपको डिवाइड करना है जितने भी नंबर्स है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो 5 से आपको इसको डिवाइड करना है। अब इसका सम निकालिए, 5 10 15 15 15 30 30 प्लस 25 दैट इज 55, 50 प्लस 30 दैट इज आपका 85। तो आपने 85 को 5 से डिवाइड करना है, 5 बन जा 5 3 या 5 ये आपका आया 7, तो 17 इज द आंसर। देखा कुछ मुश्किल नहीं था, आराम से, देखो बेसिक से एडवांस की तरफ और अच्छे अच्छे सवालों को लेंगे, दूसरी क्लास में तो और अच्छे सवाल होंगे, आप यहाँ पे बेसिक को पहले समझिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पकड़ो, दूसरा क्वेश्चन क्या ये एक सीरीज है, पहले अपने आप से सवाल पूछो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 36 का है, इन दोनों का डिफरेंस 36 का है, ऐसा कुछ नहीं है, जो डिफरेंस 36 का नहीं है तो क्या बचता है हमारे पास, सर कुछ नहीं बचता, फिर तो आप ऐसा करो एवरेज निकालना है तो एवरेज में सबको ऐड करो, जितने नंबर है उनसे डिवाइड करो, तो ये हुआ आपका 36 प्लस 72 प्लस 480, एंड दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 36 और 72, 108 प्लस 480 आपका, 108 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया आपका 588 और डिवाइडेड बाय 3, अब इसको क्या है, 3 1 जा 3 2 8, 9 जा 27 16, 196, ठीक है, तो दैट इज 196 इज द आंसर, हो गया। अरे बहुत मजेदार हुआ आप, ठीक है, अगले क्वेश्चन का आते हैं। अगला क्वेश्चन टिपिकल सवाल है आप लोगों को फंसाने का, आप लोग खूब कैलकुलेशन में घुमाने का, तो घूमना मत, है ना, खूब सारा ये आपको कैलकुलेशन में घुमाना चाहता है, पर आप कभी भी उस चक्कर में फंसना मत, घूमना मत। क्या कह रहा है ये, खूब सारे नंबर दे दिए, खूब सारे नंबरों का सम दे दिया, तो आपको नंबर काउंट करने होंगे, लेकिन यहां पे काउंट करने से पहले एक बात समझो, हमें देखना क्या है, देखो एक कितनी बार है, एक बार, दो कितनी बार है, दो बार, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, नंबर क्या है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, ऐसे 7 7 बार, और उन सब का एवरेज दिया, मतलब 2 जो है वो 2 टाइम्स है, 3 जो है 3 टाइम्स है। तो अगर मैं सम लिखता तो इनका अगर मैं सम लिखूं तो सम क्या होगा दोस्तों, सम होगा मेरा फर्स्ट नंबर एक बार है प्लस दो नंबर दो बार है, तो दो नंबर दो बार को मैं कह सकता हूँ 2 into 2, बिल्कुल, फिर 3 नंबर 3 बार है ना, 3 नंबर 3 बार को मैं लिखता हूँ 3 into 3, और फिर 4 4 बार है, तो सेम चीज है 4 into 4, ऐसा करते चलना है आपका
सेवन इंटू में सेवन। अच्छा ये तो हो गया सम, एवरेज निकालने की टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले सम सीखते हैं। सम सीखते हैं तो ये आप अगर ध्यान से पकड़ पाओ तो ये आपका वन है, ये आपका टू का स्क्वायर है, ये आपका प्लस थ्री का स्क्वायर है, ऐसी आपका फोर का स्क्वायर है, प्लस फाइव का स्क्वायर आएगा, फिर सिक्स का स्क्वायर आएगा, लास्ट में सेवन का स्क्वायर आएगा। ठीक है, सेवन का स्क्वायर आएगा। अब मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो स्क्वायर है क्या ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर नहीं है भाई, पहला फर्स्ट नहीं है, एक से लेकर सात तक। तो यहाँ एन जो था उस सवाल में, उस एन की वैल्यू क्या आएगी भाई, उस एन की वैल्यू ही आपकी सेवन है, जहां आखिरी तक जाता था ना उसको हम मानते थे, तो एन की वैल्यू ही आपकी सेवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला याद है आप सभी को, फॉर्मूला था अगर ठीक से याद करो तो एन इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय आपका सिक्स, ये आपका सम का फॉर्मूला था। तो यहां पे मैं एन की वैल्यू रखूंगा, एन क्या है मेरा, एन है मेरा सेवन, तो सेवन की वैल्यू रखी मैंने, सेवन मल्टीप्लाइड बाय सेवन प्लस वन आपका एट मल्टीप्लाइड बाय टू एन प्लस वन, टू इंटू सेवन दैट इज फोर्टीन, फोर्टीन प्लस वन आपका हो गया फिफ्टीन, फिफ्टीन डिवाइड बाय सिक्स, कट करते हैं है ना, कट करते हैं, सिक्स थ्री से काटा मैंने तो ये फाइव बार में, ये टू बार में, टू से काटा मैंने तो ये फोर बार में, सेवन फोर जा 28 इंटू फाइव, सम तो आ गया मेरा 140। भैया तो सर आपने सम निकाल दिया, योग निकाल दिया, लेकिन औसत निकालना है तो उस योग को जितनी संख्याएं हैं उससे विभाजित भी करना पड़ेगा, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, उसे भाग के जाओगे क्या। तो हमें निकालना है अगर एवरेज, तो क्या करना है, जो भी सर आपने सम निकाला उस सम को आप डिवाइड करो किससे, जितनी नंबर है। अब सर नंबर कितने हैं, सात सात बार है, तो सात तो ये हो गया, छः छः बार है, मतलब अगर आपको नंबर निकालने हैं तो जोड़ना पड़ेगा है ना, एक एक बार है, दो दो बार है, तीन है ना, फिर तीन बार, फिर चार बार। अब तुम ध्यान से समझ पाओ, पांच छः सात, तो ये जो चीज निकली क्या यही n प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं है। देखो इस सवाल में दोनों चीजों का इस्तेमाल है, आपके वर्गों का योग का भी और आपके प्राकृतिक संख्याओं के योग का भी, दोनों का इस्तेमाल है और उन्हीं दोनों के इस्तेमाल से इस सवाल को सॉल्व करना, इसे मैंने कहा ना बहुत टिपिकल सवाल है, ये सवाल अगर आप समझ पाए तो अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे, n सर सात है, और मैंने इसका सम क्या बताया था, इसका सम बताया था n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू, n क्या है यहाँ पे सर सेवन, सेवन प्लस वन आपका एट, एट डिवाइड बाय टू, टू कटा वन से, ये कटा फोर से, दैट इज 28 नंबर्स हैं सर, 28 नंबर है। तो अब तो करना क्या है, बस आंसर कहा जाते हैं, सम हमने निकाल रखा था 140 और डिवाइड करना था आपको 28 से, देखो काटोगे तो ये सीधे आपका 5 बार में आएगा, तो एवरेज हो गया मेरा 5। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर तो बहुत लंबा प्रोसीजर, इसे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या, देखो कुछ चीजें आप लोग प्रैक्टिस से सीखते हो, आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो ना तो समझ में आता है कि करना क्या था। ये जैसे इस क्वेश्चन को देखा, अगली बार जब भी सवाल को देखोगे आपको क्लियरली से समझ में आएगा कि यहाँ पे तो यार n का स्क्वायर है, तो सीधे n के स्क्वायर का सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो मैंने आप सबको लिख के समझाया था, लिख के क्लियर कर रहा था, इसलिए वक्त इसमें जाया हुआ या लगा, नहीं तो बहुत स्पीड में हो जाएगा। और देखो ये क्वेश्चन ना आपका SSC में DSSB में तीन चार बार रिपीट हो चुका है, तो आपको इसका आंसर भी करने के बाद पांच बार जैसे आप प्रीवियस में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कई बार आएगा, तो आंसर याद आ जाएगा, सर इसका आंसर तो पांच ही होता है फाइव बार, लेकिन चेक कर लेना, कई बार क्या होता है रिपीटेड क्वेश्चन में जरा सा ट्रिक बदल देगा और वहां पे गुमराह हो जाओगे, गलत आंसर कराओगे, है ना, कॉन्फिडेंस इज गुड ओवर कॉन्फिडेंस इज रॉन्ग, इस बात का ध्यान रखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, यहां हमसे कुछ एवरेज पूछा है क्या, द एवरेज ऑफ The number 17, 28, 31, x, 15, 22 is 25. मतलब 17, 28, 31, x और 15 और 22 इन सबका औसत ही दे रखा है।
जब उन्होंने आपको औसत दे दिया तो क्या करना है, हमें औसत निकालना है? नहीं, लेकिन औसत का फॉर्मूला जरूर इस्तेमाल करना है। और औसत का फॉर्मूला क्या है? औसत का फॉर्मूला है सर हमारा, एवरेज कुछ नहीं होता, वो होता है सबको जोड़ दीजिए और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। चलो सबको जरा जोड़ते हैं, तो नंबर कितने हैं? नंबर है हमारे, अच्छा एवरेज कितना बताया उसने? एवरेज बता दिया है कि सर 25 है, 25 एवरेज है। नंबर है कितने हमारा? 17 प्लस 28 प्लस 31 प्लस एक्स प्लस 15 प्लस 22। और कितने से डिवाइड करोगे? जितने नंबर होंगे, नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग में गड़बड़ मत करना, कई बार क्या नंबर गड़बड़ लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं एक्स को भूल जाते हैं, वो नीचे 5 लिख देते हैं। अगर 5 लिखोगे तो आंसर फिर गड़बड़ ही आना है। आंसर हो गया आपका डिवाइड बाय 6। इसका मतलब 25 इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कीजिए, 35 ये आपका 45 प्लस 15 और 21 37, 37 ये आपका 68 प्लस एक्स है। अब एक्स को जोड़ मत देना, 68 एक्स मत बोलना, एक्स एक अलग आइडेंटिटी है जो कि जुड़ नहीं सकती। उस एक्स की जो वैल्यू होगी वो जोड़ सकते थे, एक्स को नहीं जोड़ सकते। तो हमेशा जो ठीक से करेंगे उन्हें पता लगेगा इसको एक्स का एक्स ही रखना पड़ेगा और ये आपका 6 से डिवाइड। इसका मतलब कि 25 जो है सर वो हमारा दोनों का सम, मतलब 113 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 6 होगा। अब ये 6 क्या जाएगा? 6 अगर इधर लेके आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाली चीज ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। एक बार मैं इसको नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका मतलब 25 इंटू में 6 इज इक्वल टू 113 प्लस मेरा x है और ये हुआ मेरा 150 इज इक्वल टू 113 प्लस x है। अब मैं इस 113 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू जो सर होगी वो 150 में से आप 113 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और ये आएगा आपका आंसर 37। ठीक है, आंसर इज 37। तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो x दे के रखा हुआ था आपको, ये जो x दे के रखा हुआ था ये पक्का और पक्का आपका 37 37 ही होगा, जिसके कारण इन सबको जोड़ के अगर औसत निकाला जाए तो वो हमारा 25 आ जाए। ठीक है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं, ये हो गया। इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को कीजिए, आ जाओ। मैं क्या कह रहा था है ना, देख लो, आपको औसत निकालना है पहले 10 प्राइम नंबर का, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, और 10 अभाज्य संख्या हिंदी में। तो मैंने क्या सिखाया था, हमने चार चीजें पढ़ी थी है ना, हमने इवन नंबर, ऑड नंबर सब देखा था, नेचुरल नंबर देखा था, प्राइम नंबर देखा था। और मैंने आपको बताया था कि अगर कभी प्राइम नंबर दे तो याद रखना उसमें कोई रूल नहीं लगता, आपको सारे के सारे प्राइम नंबर निकालने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे कितने निकालने हैं हमको? 10, 10 निकालने हैं। तो चलो एक एक की गिनती करते हैं। पहला प्राइम नंबर याद रखना, पहला प्राइम नंबर होता है 2, और वो एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन नंबर भी है ना, जो आपका सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है, अभाज्य संख्या भी है, वो होता है 2। तो पहला प्राइम नंबर तो हो गया मेरा 2, उसके बाद अगला प्राइम नंबर 3, उसके बाद अगला प्राइम नंबर 5, उसके बाद अगला 7, 7 के बाद 9 होगा क्या? नहीं, 9 एक ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो 7 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, सोचो। फिर 11, 11 के बाद 12 है, नहीं। 13, हाँ 13 है। 14 है, नहीं। 15, नहीं। 16, नहीं। 17 है, ठीक है। 18, नहीं। 19 है। 20, नहीं। 21, नहीं। 22, वो भी नहीं। 23 है। अच्छा काउंटिंग भी करते रहो, कितने हो गए? 10 तक की जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हो गए। तो 23 के बाद 24, 25 नहीं, 26, 27, 28 नहीं, फिर 29। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सब नंबरों का अब आपको सम करना है। चलिए सम करते हैं, आपको जैसे मैं करता हूँ, तो सब आपको एवरेज निकालना है तो सबको जोड़ो, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6।
7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29, ठीक है, पांच सब करते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ 5, ये तो लिख दो इसको 10, 10 प्लस आपका ये हो गया 18, 18 प्लस ये दोनों मिलके हो गया आपके 30, 30 प्लस ये हो गया आपका 42 और ये हो गया आपका 29। अच्छा एवरेज निकालना है तो इन सबको जितने नंबरों से डिवाइड भी करना है, नंबर कितने हमारे 10 ना, इनको हमको अब 10 से डिवाइड भी करना है। अब क्या 10 इससे मिलके बना 40, 18 इससे मिला 50 प्लस 60 प्लस 29 अपॉन में 10 और ये हो गया मेरा 129 डिवाइडेड बाय 10। अब किसी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो कुछ नहीं होता, वहां एक नंबर से पहले पॉइंट आ जाता है, आंसर इज आपका 12.9। देखा दोस्तों, मतलब कभी भी अगर वो हमको अभाज्य संख्या है या फिर प्राइम नंबर दे तो आपको प्राइम नंबर निकालना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई भी चारा नहीं। ठीक है, तो और भी सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हुए और कंडीशन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और भी तीन चार सवाल आपके लिए लेके आऊंगा, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, प्लीज वीडियोस को फॉलो करते रहिए, क्योंकि आप करते रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। नेचुरल नंबर का सम और आपका स्क्वायर का सम।